भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कप्तान रोहित शर्मा को कंफ्यूज कप्तान करार दिया है। गावस्कर के मुताबिक रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कंफ्यूज हैं कि दिनेश कार्तिक को मौका दें या ऋषभ पंत को। ये दोनों ही विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, ऐसे में मैच से पहले गावस्कर ने रोहित पर निशाना साधा है। रोहित शर्मा ने महिला दिग्गज झूलन गोस्वामी के खिलाफ बल्लेबाजी करने के अपने अनुभव को याद किया। बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के नेट सेशन के दौरान भारतीय महिला तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के इन स्विंगर ने उन्हें जमकर तंग किया था। झूलन गोस्वामी ने लगभग 2 दशक तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरफ से क्रिकेट खेला। टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के शुरुआती मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर 1-0 की शुरुआती बढ़त बना ली है। इस मैच में पहले टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। सीरीज का दूसरा वनडे मैच 21 सितंबर को कैंटबरी में खेला जाएगा। एशिया कप के आगाज से पहले ही पाकिस्तान महिला टीम को एक बड़ा झटका लगा है। टीम की तेज गेंदबाज फातिमा सना इंजरी की वजह से एशिया कप से बाहर हो गई हैं। फातिमा सना को कैरिबियन प्रीमियर लीग के दौरान चोट लग गई थी और इसी वजह से अब वो एशिया कप में नहीं खेल पाएंगी। उन्हें 4 हफ्ते के रेस्ट के लिए कहा गया है। वुमेन्स एशिया कप का आगाज 1 अक्टूबर से बांग्लादेश में होगा। टीम इंडिया में लंबे समय बाद वापसी करने वाले तेज गेंदबाज उमेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि आईपीएल 2020 में आरसीबी से खेलने के बाद मैंने एक भी लिमिटेड ओवर मुकाबला नहीं खेला है। मैं अच्छा कर रहा था, लगातार अभ्यास भी कर रहा था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। अब अगर मुझे मौका मिलता है तो बेहतर करने की कोशिश करूंगा। भारतीय तेज गेंदबाज हर्षल पटेल पिछले काफी समय से इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हुए नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन अब वो ठीक हो चुके हैं और T20 वर्ल्ड कप के लिए उनकी टीम में वापसी हो चुकी है। हर्षल पटेल ने इस बात की खुशी जताई है कि हेड कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा ने उनका खूब साथ दिया। लीजेंड्स लीग क्रिकेट में मणिपाल टाइगर्स और भीलवाड़ा किंग्स के बीच मुकाबला लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में भीलवाड़ा किंग्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मणिपाल टाइगर्स के खिलाफ 3 विकेट से जीत दर्ज की। बेंगलुरु एफसी ने मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। बेंगलुरु एफसी के करिश्माई कप्तान सुनील छेत्री का भी यह पहला डूरंड कप खिताब है। विजेता टीम के लिए शिव शक्ति और ब्राजील के एलन कोस्टा ने गोल किए। नीदरलैंड ने अमेरिका को 2-1 से हराकर डेविस कप के फाइनल में टॉप पोजीशन हासिल की। नीदरलैंड ने अपने दोनों सिंगल मैच जीते। नीदरलैंड ने पहले ही अजेय बढ़त बना ली थी। अमेरिका और नीदरलैंड ग्रुप डी से क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पहले ही पक्की कर चुके थे। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ। ब्यूटीफुली प्ले।